सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं एक और टेक्निकल ब्लॉग। सो ये चैनल मैंने बनाया था कि मैं टेक्निकल ब्लॉग्स भी बहुत सारे डालूंगा, बट मैंने डाले हैं बहुत सारे टेक्निकल ब्लॉग्स डाले हैं। आज जो वीडियो है वो आप सब लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांड पर है, बहुत ज़्यादा ओवर डिमांड पर है वो वीडियो। सो आज की ये वीडियो है हाउ टू डाउनलोड GTA 5 फॉर फ्री। सो अभी आप लोग ये जो आप सुन रहे हो ये सच है, मतलब GTA 5 आप किसी भी PC पे फ्री में डाल सकते हो। आपकी बस जो मिनिमम PC रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि आपके 140 GB आपका टोटल स्पेस होना चाहिए, क्योंकि एक बार वो फाइल डाउनलोड होगी उसके बाद वो फाइल एक्सट्रैक्ट भी होगी, सो वो डबल टाइम्स हो जाएगी। उसके बाद जब एक बार आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तब आप अपनी डाउनलोड फाइल, जो डाउनलोड वाली फाइल है उसको आप हटा सकते हो। चाहो तो रखो वरना हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट होकर चल जाएगी गेम। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका प्रोसेसर क्या होना चाहिए। तो प्रोसेसर GTA 5 असल में बहुत, मतलब 2013 में आया था वो गेम, सो वो पुराना गेम है, सो वो नॉर्मल प्रोसेसर पे भी चल जाता है। सो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। सो अब फटाफट चलते हैं मेरी PC की स्क्रीन पे, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे GTA 5 को फ्री में कैसे डाउनलोड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं मेरी PC की स्क्रीन पे। सो अभी आप लोग को जस्ट टाइप करना है ए वेबसाइट का नाम, ए ब्रो गेमर। सो ये नाम टाइप करते ही आपको बस एंटर करना है और ओपन हो देते हैं, और ये सबसे पहला लिंक जो आएगा ना ebrogamer.com, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना है। उसके बाद इसके ओपन होते ही यहाँ पे सडनली बहुत जल्दी नहीं आता, आप लोग को जस्ट जाना है यहाँ पे गेम लिस्ट वाला ऑप्शन है, गेम लिस्ट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे गेम्स आ चुके हैं। सो आप लोग नीचे स्वाइप करेंगे, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे गेम्स अरेंज्ड हैं। सो आप जब जी पे जाएंगे यहाँ पे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का नेम आ रहा है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सो यहाँ पे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 का नेम आ रहा है। यहाँ पे आप लोग को सारे गेम मिल जाएंगे, मतलब आप लोग को जो भी गेम चाहिए ना वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सो आपको जस्ट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 पे क्लिक करना है, और अब यहाँ पे ये आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करोगे सो आपको ये किसी भी अदर वेब पेज पे ले जाएगा। सो आपको इस पे नहीं जाना, आपको एग्जिट होना है पहली बार में। सेकंड टाइम में जब भी अपलोड हेवन का लिंक आ जाएगा तब आप लोग को यहाँ पे वेट करना है 5 सेकंड्स, और अब आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। अभी भी आपका ओपन नहीं होगा, आप लोग को दोबारा से इसको दूसरा जो पेज खुला है उसको कैंसिल करके दोबारा से आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना होगा, और अब आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो ये डाउनलोड जो है उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। सो क्या जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। चलते हैं अपनी फाइल एक्सप्लोरर में, वहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो GTA 5 की फाइल है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे ये फाइल है मेरी GTA 5 की। सो इसे मैं एक्सट्रैक्ट, इसे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक्सट्रैक्ट करना है इस फोल्डर। सो बस ये एक्सट्रैक्ट हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो फाइनली एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसमें आपकी PC की स्पीड पर डिपेंड करता है, ये मेरे PC में 10 मिनट्स में हो गई। आप जिसका PC जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी स्पीड में ये डाउनलोड हो जाएगा और एक्सट्रैक्ट भी हो जाएगा। सो अब इसको जस्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, रेडिश पे नहीं जाना है। रेडिश पे जैसे कभी आपका गेम क्रैक हो जाए तो आपको रेडिश की सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप, वो मैं आप लोग को बता दूंगा। अगर कोई ऐसा एरर हुआ आप लोग कमेंट कर देना तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस एरर को कैसे सॉल्व करना है। सो आपको जस्ट बैक जाना है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के फोल्डर पर। अब यहाँ पे आपको जस्ट GTA 5 लॉन्चर इस पर क्लिक करना है, GTA 5 पे नहीं, GTA 5 लॉन्चर पे। सो इसको लॉन्चर पे क्लिक कर देते हैं और अब हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी GTA 5 फाइनली वर्क करने लगी है, ओपन हो चुकी है। और एक बार ये पूरी प्रॉपरली ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं। सो अभी एक बार ओपन हो जाए फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हम अपनी GTA 5 की लोडिंग स्क्रीन पे हैं और ये गेम अब जस्ट लोड होने ही वाला है। और ये हमारे माइकल सर दिख रहे हैं ओपनिंग स्क्रीन पे, और पीछे हमारी पूरी लॉस सैंटोस की स्टेटी भी दिख रही है। सो बस ये फटाफट से ओपन हो ही जाएगा। सो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारी GTA 5 अब वर्क करने लगी है और ये अभी भी डाउनलोड हुई है, इस वजह से इसका फर्स्ट मिशन है ये। सो गाइस, ये हमारी GTA 5, मैंने अब आप लोग को दिखा दिया कि हमारी GTA 5 फ्री में कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं एक बार इसको चला के दिखाता हूँ कि चल रही है नहीं, एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही है ये।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो अब आप लोग को मैंने बता दिया कि GTA 5 फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग किसी भी PC पे इसे चला सकते हैं। ये आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो थी, सो आज मैं वीडियो ले आया। अब आप लोग का ये काम बनता है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। सो अब आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय और स्टे होम स्टे सेफ।